पवन सिंह को आखिरकार ठिकाना मिल ही गया। बिहार की काराकाट सीट से पवन सिंह ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, वो भी निर्दलीय। यानी हर पार्टी का दरवाजा खटखटाया पवन सिंह ने, लेकिन किसी भी पार्टी ने हामी नहीं भरी। बिहार में आरजेडी से उन्होंने बातचीत की, तेजस्वी को फोन लगाया। जब बीजेपी ने यह कह दिया कि आपको आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ना है क्योंकि बंगाली महिलाओं के ऊपर कुछ आपने जो गाने बनाए हैं और देश भर की अलग अलग जगहों की महिलाओं ने आपत्ति जाहिर की, बीजेपी को लेकर सवाल उठाए गए कि आप पवन सिंह जैसे विवादित चेहरे को कैसे टिकट दे सकते हैं जो अपने भोजपुरी गानों के जरिए, अश्लील गानों के जरिए महिलाओं का हमेशा अपमान करते हैं। ये बात पीएम के जरिए जेपी नड्डा तक पहुंची। जेपी नड्डा से सवाल पूछा गया कि क्यों पवन सिंह को टिकट दिया गया है और उसके बाद सीधे सीधे आसनसोल से टिकट कट गया था पवन सिंह को। ये इस बात को तकरीबन एक महीना गुजर चुका है। अब इस एक महीने में पवन सिंह ने हर जगह कोशिश की कि वो किसी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़े, हालांकि उनकी बात कहीं नहीं बनी। आरा सीट को लेकर कहीं नहीं बात बनी, ना आसनसोल के लिए बात बनी, हालांकि ज्यादातर कोशिश उनकी थी कि आरा सीट मिल जाए। अब मैं आपको ये समीकरण बताने जा रही हूँ कि काराकाट सीट से क्यों पवन सिंह ने खुद को उम्मीदवार घोषित किया है। दरअसल काराकाट वो जगह है जहाँ से उनकी माता जी आती है, यानी पवन सिंह का ननिहाल है। और ये सीट जो है उसकी भौगोलिक स्थिति मैं आपको बताती हूँ। दो जिले हैं, औरंगाबाद, सासाराम, और ये आरा से सटे हुए ज़िले हैं। और ये तीनों ही जो ज़िले हैं वो भोजपुरी बेल्ट है। पवन सिंह भोजपुरी फिल्मों में काम करते हैं, भोजपुरी गाने गाते हैं, और कहा जाता है कि भोजपुरी पसंद लोगों में उनका प्रभाव है, उनके फैंस बहुत हैं। लेकिन क्या ये वोटों में तब्दील होगा, ये तो सवाल बहुत अहम है। लेकिन जातीय समीकरण के हिसाब से अब ये सीट कैसे फंसती हुई नजर आ रही है उपेंद्र कुशवाहा के एंगल से, वो भी मैं आपको ज़रा बता दूँ। दरअसल एनडीए के कैंडिडेट हैं उपेंद्र कुशवाहा, उनकी पार्टी को सिर्फ एक ही सीट मिली, वो भी काराकाट। बात एमएलसी पे हुई, एमएलसी के लिए नित्यानंद राय ने उनसे बातचीत भी की, मान मनोवल किया क्योंकि बीच में उनकी नाराजगी की खबरें आने लगी थी। अब एक सीट है उपेंद्र कुशवाहा के पास, खुद वो कुशवाहा जाति से आते हैं और जातीय समीकरण के हिसाब से उन्हें लग रहा था कि मैं एनडीए का कैंडिडेट हूँ तो ये सीट आसानी से निकाल लूंगा, क्योंकि कांग्रेस गठबंधन ने, आरजेडी गठबंधन ने वहाँ ये सीट माले को दिया है। अब ये मामला इस तरीके से फंस रहा है क्योंकि पवन सिंह राजपूत हैं और राजपूत होने के लिहाज से वहाँ पे राजपूत वोटर्स की बहुलता है। अब उपेंद्र कुशवाहा के लिए काराकाट सीट से राहें आसान नहीं है। हालांकि और बात है कि कहा जाता है कि आपके ऐसे फैन बेस अलग होती है और अगर आप चुनावी मैदान में उतारते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि जो लोग आपको पसंद करते हैं वो आपको वोट भी दे दें। तो यही बातें पवन सिंह पर भी लागू होती है। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि सुपरस्टार, पावर स्टार जिनको कहा जाता है भोजपुरी के लिहाज से पवन सिंह को, क्या वाकई जब वो चुनावी राजनीति में उतर रहे हैं तो लोग उनको हाथों हाथ लेते हैं? क्या उनका ये चुनावी जो दौरा है वो सुपरहिट साबित होता है या नहीं? ये सवाल बहुत अहम है। तो पवन सिंह को लेकर आपके मन में अगर कोई बात है, कोई कमेंट है तो ज़रूर हमें बताइए, क्योंकि पवन सिंह लाख कोशिशों के बाद राजनीति में खुद को स्थापित करने के लिए निकल पड़े हैं।